क्योंकि सभी को पता तो चल ही गया है कि रिजल्ट अच्छे रहे अपने यहाँ से ग्रुप से, है ना। तो सर का कल फ़ोन आया था और सर के आग्रह से, आशीर्वाद से कह लो, मैं आप लोगों के सामने फिर आया। और 7 तारीख को किस किस के इंटरव्यू है? सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू हो रहा है पीछे आप लोग। तो सर ने कहा है इनके लिए मॉक टेस्ट वापस से अरेंज किया जाए, तो 4 तारीख यानी कल 1 से 3 बजे तक वापस से आपके लिए एक मॉक टेस्ट अरेंज किया जा रहा है ना। तो आप बिल्कुल आइए और मॉक टेस्ट का जितना हो सके लाभ लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा हुआ है कि काफ़ी कुछ क्वेश्चन सिमिलर रहे हैं और जो इंटरव्यू के लिए टीम लाई गई थी उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन भी वैसे के वैसे ही रहे, है ना। तो हो सके तो लाभ लें जितना अधिक हो सके, और इसका कोई चार्ज नहीं है जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 4 बजे याद है ना? थैंक यू सर। सर हमारे दोनों तीनों जो भी हैं ये ठीक है, अपनी LIG स्क्वायर है, LIG स्क्वायर पे लाइफलाइन जो अस्पताल है उसके साइड में लाइफलाइन LIC की बिल्डिंग है, है ना। LIC की बिल्डिंग से जस्ट जो लेफ्ट टर्न होता है वहाँ पे पार्श्वनाथ स्वीट्स मिलेगा आपको, उसी के ऊपर 3rd फ्लोर पे अपनी कोचिंग है, है ना। तो 1 बजे शार्प आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू। एक और अच्छी खबर है, 3000 पद सैंक्शन हुए हैं न्यू SI के, आपको शायद से पता चला होगा न्यूज वगैरह से। तो वापस इसके लिए आपको ना तो तैयारी के लिए ज़्यादा समय मिलेगा ना फिजिकल के लिए। MP पुलिस के लिए भी, कांस्टेबल के भी 30,000 पद स्वीकृत हुए जो संभवतः हो सके चुनाव के पूर्व ही आ जाएंगे उनमें से कुछ पद, तो उसकी तैयारी लगातार बनाए रखें, है ना, छोड़े ना, ठीक है। नीचे बैठे थोड़ा, अभी 3 मिनट भी नहीं हुए हैं, 5 मिनट का है। ये साहब ने आपको बता दिया कि अभी